मुझे लगा कार्टून वार्टून की आज बातें हो रही है तो पहले कार्टून की बातें कर ली जाए, जैसे एक कार्टून में बताना भूल गई अंजना जी। देखिए अंजना जी, ये इनका अब क्या रह गया, ये सब आके टीवी पर ही पोल खोल और वो ट्विटर पे और कार्टून यही सब करते रहेंगे। जमीन पे तो जीरो है, सर्वे तो आप ही लोगों ने कराया था, तो जमीन पे कुछ है नहीं। अब टीवी पे भी नहीं रहेंगे तो मजा भी कैसे आएगा बताइए, शाम को डिबेट किसके साथ करेंगे? थोड़ा बहुत बने भी रहना चाहिए। हम दोनों ही चुनाव लड़े थे, दोनों भाई बहन चुनाव लड़ने गए थे, मुझे 5,26,000 वोट मिले थे, इनको शायद 5,000 वोट मिले। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा अगली बार 5,500 वोट मिले। गजब बेइज्जती है, मजा आया। आप थोड़े मेरे खिलाफ, ये पूरी आइडियोलॉजी है जो गॉडसे की आइडियोलॉजी है वो मेरे खिलाफ है, क्योंकि मैं गांधी का फॉलोअर हूँ। मैं मानता हूँ सुरेश जी कि ये देश गांधी के रास्ते पे चल के ही एक रहेगा। जब जब भी गांधी गलती करेंगे, वो कोई भी हो, गांधी व्यक्ति नहीं प्रवृत्ति है, तब तब गॉडसे आएंगे। ये नियति का नियम है, सावधान रहिए। इसका मतलब है कि कोई गॉडसे आएगा मुझे भी मारेगा? मैं कह रहा हूँ कि जो भी गांधी बनकर, गांधी ने तब जो गलती की थी वो करेगा तो गोडसे आएगा। ये नियति का नियम है, हिंदुस्तान ने दुनिया का है। इसका मतलब आप इनडायरेक्ट में मुझे धमकी दे रहे हैं कि मेरी भी हत्या होगी? कोई गोडसे सामान के धमकी नहीं देता है, अगर करना है तो मैं ही कर सकता हूँ, उसमें कौन सी बड़ी बात। सब तो आपने इस्तेमाल किया। अगर मेरी पूर्व अध्यक्षा के बारे में, जो मेरी माँ समान है, यहाँ पर कोई भद्दी और गंदी बात करेगा तो उसको मैं एक बार नहीं 100 बार गंदी नाली का कीड़ा कहूंगी। सोनिया गांधी जी के बारे में, एक महिला के बारे में, एक निर्वाचित सदस्य के बारे में, एक मातुल्य के बारे में अगर यहाँ पर भद्दी बात कही जाएगी, जो कही गई थी, तो मैं एक नहीं 100 बार कहूंगी। बोलेगी तो भाई सुनेगी। कान खोल कर सुन लेना, अगर हमारे प्रधानमंत्री पे एक अपशब्द कहा ना, इतनी मेहनत करेंगे कि कांग्रेस पार्टी जीरो पार्टी बन जाएगी और माइक्रोस्कोप से लोग ढूंढेंगे तो नामो निशान मिट जाएगा इस पार्टी का। बैंगन बैंगन दो आपके। मोहम्मद तेरे बाप का नाम त्रिपुरा में मुल्ला गिरी नहीं चलेगा, बहुत ही सुंदर तरीके से आपने खेला। ध्रुव राठी की वीडियो एकदम ठीक है। ध्रुव राठी कहाँ रहता है आपको पता है? नहीं, मैं कोई उसके घर थोड़े जाता हूँ यार। क्या जवाब दो पहले, कहाँ रहता है वो? मैं घर थोड़े जानता हूँ उसका। वो जर्मनी में रहता है और आम आदमी पार्टी से फंडिंग होती है उसको, पता ये बात आपको? आपके अलावा किसी को भी नहीं पता होगा। आम आदमी पार्टी के खिलाफ एक वीडियो दिखा दो ध्रुव राठी की, आपको चैलेंज दे रहा हूँ मैं आपको। चलो, कितने बंदे हैं उसके पीछे ये पता है? राठी के पीछे ऐसा सन्नी लियोनी के पीछे ही बड़े बंदे हैं राठी। दिखा दो जिसमें वो कह रहा हो सेना को पत्थर मारने वाले पत्थरबाज मोदी सरकार के बाद आने के बाद गायब हुए, मैं तारीफ करता हूँ। सुकन्या योजना, शौचालय योजना, उद्यमी योजना ना अडानी को चाहिए ना मेरे जैसे बंदे को चाहिए, गरीबों के लिए बनी, गरीबों लाभ उठा रहे हैं, मैं मोदी की तारीफ करता हूँ। इन चीजों के लिए ऐसे लोगों का कोई वीडियो नहीं आएगा, कोई ट्वीट नहीं आएगा कुछ। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। नॉर्थ कोरिया किम जोंग का नाम देखिए कहां लेगा। मैं 876 886 सांसद चुने, एक ही व्यक्ति खड़ा होता है उसका, उसी को वोट देना होता है, 99% वोट उसको मिलते हैं। अच्छा, हमको सिखा रहा है। मैं कहता हूँ किम इल सुंग एक ही आदमी खड़ा करता है, किम जोंग जो एक ही आदमी खड़ा करता है और सब जीत जाते हैं। पर आपको पता है ना, एक वोट पाके वही जीत जाएंगे, पर इस देश में जीरो वोट पाके भी तो प्रधानमंत्री बने थे। कौन? जवाहरलाल नेहरू, सुधांशु जी। अप्रैल 1946 16 कांग्रेस कमेटियों ने नाम रिकमेंड किए, एक ने पट्टाभी रमैया का, एक ने कृपलानी का, बाकी सब ने सरदार पटेल का। फिर मीटिंग होती है और इसका बाकायदा विधिवत वर्णन जेबी कृपलानी किताब माई डेज विद गांधी, और उसके बाद मौलाना अबुल कलाम की किताब इंडिया विंस फ्रीडम, उसके बाद दुर्गादास की किताब इंडिया फ्रॉम कर्जन टू, एक स्टेप बाय स्टेप वर्णन। वो कहते हैं अपना नाम विड्रॉ कर लो, अपना नाम विड्रॉ कर लो, जीरो वोट टू जवाहरलाल नेहरू एंड ही बिकेम प्राइम मिनिस्टर। ये हुई ना बात कि हिंदुस्तान में आज करोड़ों युवा है मगर 40 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी हमारे इस देश में है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं
कि युवाओं को रोजगार ना मिले। ले 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 ले। सुना क्या? ये भी मेरी गलती है। नहीं भाई मेरी गलती है। नहीं, मेरी गलती है। सब तो आपने इस्तेमाल किया है। अगर मेरी पूर्व अध्यक्षा के बारे में जो मेरी माँ समान है यहाँ पर कोई भद्दी और गंदी बात करेगा तो उसको मैं एक बार नहीं 100 बार गंदी नाली का कीड़ा कहूंगी। सोनिया गांधी जी के बारे में, एक महिला के बारे में, एक निर्वाचित सदस्य के बारे में, एक मातुल्य के बारे में अगर यहाँ पर भद्दी बात कही जाएगी जो कही गई थी तो मैं एक नहीं 100 बार कहूंगी। बोलेगी तो भाई सुनेगी। कान खोलकर सुन लेना, अगर हमारे प्रधानमंत्री पे एक अपशब्द कहा ना, इतनी मेहनत करेंगे कि कांग्रेस पार्टी जीरो पार्टी बन जाएगी और माइक्रोस्कोप से लोग ढूंढेंगे तो नाम वो निशान मिट जाएगा। इस बैंगन 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 दो आपके। ये ठीक है। हमारे राहुल भाई हम लोगों के बीच में पधारे हैं। आज इस देश में मोदी सरकार में सारे जो सबका भरण पोषण करते हैं वो आज भिखारी का ऐसा बन गया है।